नमस्कार। तो पिछले लेसन में हमने देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले दो लेसन में हमने बेस बनाना सीखा। बेस में हमने ग्राउंड बनाना सीखा, उस पर डिटेलिंग किया, स्काई बनाना सीखा। उसके अगले लेसन पे हमने ट्रीज़ बनाना सीखा, ट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स सीखे। मैं आपको स्केचबुक में दिखाती हूँ ये ट्रीज़ के डिफरेंट टाइप सीखे कि हम किन तीन अलग तरीक़ों से हम ट्रीज़ बना सकते हैं या कोई भी अलग चीज़ हम बना सकते हैं, उसे किस अलग अलग तरीक़ों से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने ट्री बनाना सिखाया, उसका डुप्लीकेट करना सिखाया, तो आप सिर्फ उसी को कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़, मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरीके से बाकी चीज़ों को जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमने उसके बाद हाउस बनाना सीखा, घर, घर की छत हमने बनाई, उसका बेस बनाया, ये नीचे का बेस बनाया, हमने घर बनाया, उसको दो रंगों में हमने रंगा, थोड़ी सी डिटेलिंग दी और जो है उसका हैंडल बनाया। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेसन में सीखा। इस लेसन पे हम जो है, ये आप देख सकते हैं, क्लाउड्स बनाना सीखेंगे। उसकी पाइप गई है, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो हम यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये इसका कंसेप्ट ये है कि बारिश का जो पानी जो छत पे जमा होता है, उसकी पानी को हमने अंडरग्राउंड भेजा है पाइप के थ्रू। जो पानी है अंडरग्राउंड जाता है, एक फ़िल्टर टैंक है, फ़िल्टर टैंक में वो पानी फ़िल्टर होती है, फ़िल्टर होने के बाद वो यहाँ पर स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद इस तरीके से हम नल्स के थ्रू हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो सेकंड नेक्स्ट जो है तीसरे सेशन पे, वीडियो ट्यूटोरियल के तीसरे सेशन पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्लाउड्स बना सकते हैं और रेन को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक न्यू लेयर लेना है। लेयर लेने के बाद हम कॉपिक लाइब्रेरी से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है क्लाउड्स हमें वाइट कलर की बनानी है, तो ये आप कलर ले सकते हैं। और ब्रश लाइब्रेरी में से आप आर्टिस्ट टैब के ग्लेज टूल को सेलेक्ट करके, जो ब्रश है सब सेलेक्ट करके एक क्लाउड जो है बना सकते हैं। क्लाउड बनाने के लिए आप या तो ब्रश से बना सकते हैं या तो आप ओवल टूल जो मैंने आपको बताया, जिससे आपने ट्री बनाना सीखा था, आप वो बना सकते हैं। पहले मैं आपको ओवल टूल से बताती हूँ बनेगा। तो पहले हम यहाँ से लेयर को रिमूव कर लेते हैं, नेम लेते हैं यहाँ से क्लाउड। इस बार हमें एक न्यू लेयर लेना है, और हो सके तो कोशिश कीजिए कि हम तुरंत यहाँ पे रीनेम कर लें ताकि बाद में हम भूल ना सके। यहाँ से एक शेप लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट सर्कल हो। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन लेने के लिए हम यहाँ से ऐड का यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्लाउड का शेप देने के लिए हमने एक ओवल लिया, उसके ऊपर हमने एक और ओवल अटैच किया, फिर हम यहाँ से एक और ओवल अटैच कर रहे हैं, फिर इस तरफ के सिलेक्शन से हमने एक और ओवल बना लिया, की मदद से हमने एक और ओवल बना लिया। इस तरीके से हम ओवल बना के उसे हम शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पे है वैसे ही शेप का आप क्लाउड बनाएं। क्लाउड का जो डिज़ाइन है वो तो बदलते रहता है रियल लाइफ में, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मुझे ये अंदर करना है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जब आप यहाँ से एक और ओवल बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है शेप चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। मैं क्लाउड का जो है शेप देने का ट्राई कर रही हूँ। इस तरीके से आपको एक एक शेप ट्राई करना होगा, एक एक शेप आपको ऐड करना होगा, तब एक परफेक्ट शेप आपके पास आएगा। हम शेप क्रिएट कर सकते हैं, आपको कर करके देखना होगा, तब आपका शेप क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हमने एक शेप क्रिएट कर लिया है। इसके बाद दो तरीका है कलर भरने का, हमने सीखा है, या तो पेंट ब्रश लेके हम इसे पेंट कर सकते हैं, या फिर फ्लड फिल टूल लेके हम इसे डायरेक्ट सिंगल सेलेक्ट में पेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये था। अगला तरीका, हम ब्रश के थ्रू, आप
देख सकते हैं अगर थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है तो इसे सही करने के लिए आप ब्रश टूल की मदद लीजिए और इसे पेंट की थोड़ी हम साइज़ को जो है छोटा कर लेंगे। ब्रश लाइब्रेरी से हमने ब्रश को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने थोड़ी सी साइज़ उसकी छोटी कर ली। इस तरह से हम अपने शेप को जो है थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तरह से हमने शेप जो है क्रिएट कर लिया। तो अगला तरीका वही था, फर्स्ट मैंने अलग लेयर पे काम कर दिया। आप ध्यान दीजिए हमेशा एक ही लेयर पे वर्क हो, ये क्लाउड जिस लेयर पे है उसका एडिटिंग वर्क भी उसी लेयर के अंदर हो, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना होए। मैं इसे फिर से कर रही हूँ, हमेशा ध्यान देते हुए अगर आप वर्क करेंगे तो आपका वर्क काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा शेप बिगड़ा है तो हम इरेज़र टूल की मदद से इसकी थोड़ी साइज़ को छोटा कर लेते हैं। ब्रश पकड़ टूल से हम इरेज़र की साइज़ को छोटा कर लिए हैं। इस तरीके से हम इसका जो है शेप क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने शेप फॉर्म कर लिया है, सॉफ्ट एजेस हम रेडी कर लिया है। तो एक तरीका ये था कि किस तरीके से हम ओवल टूल सेलेक्ट करके हम एक क्लाउड बना सकते हैं। यदि नहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप दूसरे दूसरे पार्ट में एक और क्लाउड बना सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा क्लाउड बना के दिखाती हूँ। कुछ नहीं है, जो हमने ब्रश से किया करेक्शन के लिए, हमें डायरेक्ट ब्रश लेना है और हमें शेप जो है वो फॉर्म करनी है कुछ इस तरह से। आपको शेप लेना है और इस तरह से आप पेंट कर बेस ब्रश की मदद से। सही, आपने एक शेप बना लिया। रेड फिल टूल से आप इसे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों क्लाउड बन चुका है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसीजर थोड़ा हार्ड है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से आप कोई भी टूल ले सकते हैं। ये मैंने जैसे ब्रश से, आप ऐसे ऐसे एक शेप फॉर्म कीजिए और रेड फिल से आप इसे डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा दो तरीका क्लाउड बनाने का। एक क्लाउड के नाम से सेव कर लेते हैं। अपने वर्क को सेव करते रहना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल एस CTRL करके एक कॉर्नर पे एक आपको बटन दिखेगा, उसके साथ में आपको एस प्रेस करना है से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है सेव करने का, अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव करने का ये एक शॉर्टकट तरीका है। ये हमने क्लाउड्स जो है बना लिए हैं। मान लीजिए मैंने ये क्लाउड थोड़ा बहुत आगे बना दिया, मुझे शिफ्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं इस क्लाउड की लेयर पे हूँ और मैं इस क्लाउड को सेलेक्ट करूँगी तो मैं दिखाती हूँ। क्लाउड को सेलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं ये मूव नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है। जब ये हमें इस क्लाउड को मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए हमें इस लेयर पे जाना पड़ेगा, इसकी लेयर पे जिस पे ये है। लेयर पे जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल के साथ हम इसे मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम क्लाउड को अपनी जगह से मूव कर दिया है। अगर आपको छोटा करना है तो यहाँ से आप क्लाउड को अभी कर सकते हैं। आपको उसकी प्लेसिंग चेंज करनी है, आपको उसे रोटेट करना है, तो जो भी करना है आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस क्लाउड को भी हम करके
पतला कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हमने और से थोड़ा सा छोटा कर लिया, रोल एस सेव कर लिया। तो चलिए पाइप कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। नेक्स्ट लेयर पे हम जाएंगे, इसे हम रीनेम करेंगे। रीनेम का शॉर्टकट एक हम यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं कुछ इस तरह, लिख देंगे ओके करेंगे। थ्रेड सेलेक्शन के लिए हम सेलेक्ट टूल, सेलेक्शन टूल को लेंगे, इस तरह से हम एक पाइप बना लेंगे। तरह से आप देख रहे हैं हमने एक पाइप बना लिया। हम एक डार्क कलर ले लेते हैं और बकेट टूल या फ्लड फिल टूल की मदद से हम इसे फिल कर देते हैं। ध्यान रहे कि आपका फ्लड फिल से सॉलिड फिल सेलेक्टेड रहे। अगर आपका गलती से लीनियर सेलेक्टेड है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर आ जाएगा। इस तरीके से जो ग्रेडियंट हम सेट करते हैं ये आ जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें फ्लैट फिल देना है और एक डायरेक्ट सिलेक्शन करना है एक फ्लैट कलर के लिए। हमने बना लिया। नेक्स्ट हमें इस तरीके से पाइप जाता हुआ दिखाना है। इसके लिए हम ऐड पे जाएंगे, ऐड इस तरह से हम इसे सेलेक्ट करके एक पाथ बनाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर। आप देख रहे हैं ज़्यादा हो गया, इसकी थी हटानी है तो मैं कुछ तरह से इसको हटा दूँगी। पाइप एक ही थिकनेस में आएगा, यहाँ पे मोटा यहाँ पे पतला नहीं आएगा, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। सेट करें, यहाँ पे भी हम फ्लड फिल टूल लेके हम यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। हमें अंदर की पाइपिंग बनानी है, अंदर के पाइप में जो पानी आता है वो हमें कलर दिखाना है। ये हम इस तरह से जाएंगे, ऐड एक और ले ऐड कर और कलर पिकर टूल पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, रेड फिल टूल पे जाके मिक्सिंग देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्शन है हो चुका है और हमारे कलरफिल हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्लाउड्स और पाइप बनाना सीखा हमने इस लेसन में। आई होप आप सब हमें देख के, वीडियो देख करके आप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन में हम जो है फिल्टर बेड, फिल्टर वाटर टैंक और टैप जो नल होता है वो बनाना हम सीखेंगे आगे के प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।